बहुत पुरानी बात है, राज नाम का एक लड़का था। राज के पिता बहुत बूढ़े और बीमार हो गए थे। एक दिन उसने अपने बेटे से बोला, बेटे मैं अब कमजोर होता जा रहा हूँ, मेरा समय आ गया है। मैं मरने से पहले तुम्हें एक राज की बात बताना चाहता हूँ। मेरे पास एक जादुई शंख है। राज ने शंख देखकर कहा, ये तो एक साधारण सा शंख है पिताजी। पिता ने बताया, यह कोई साधारण शंख नहीं है। इसे अगर तुम अपने कान पे लगाते हो तो दूसरे व्यक्ति के मन के विचार सुन सकोगे। ये जीवन में तुम्हारी बहुत मदद करेगा बेटा। कुछ दिनों बाद राज के पिता की मृत्यु हो गई। राज ने शंख लिया और काम की तलाश में यात्रा पर निकल गया। कई दिनों की यात्रा के बाद वह एक हवेली में पहुंचा। वहां हवेली में एक विशालकाय व्यक्ति था जिसके बाल बहुत लंबे थे। राज ने दानव रूपी व्यक्ति से प्रार्थना की कि उसे कुछ काम दे दे। दानव ने कहा, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? अगर हाँ तो तुम यहाँ काम कर सकते हो। राज ने स्वादिष्ट खाना बनाकर जैसे ही दानव को खिलाया, दानव बहुत खुश हो गया और उसे काम पर रख लिया। एक दिन राज को हवेली के बाहर घूमते हुए एक तहखाना दिखा। उस तहखाने से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। जैसे ही वह अंदर गया, उसे एक सुंदर राजकुमारी बंधी हुई दिखी। राज ने उससे पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें यहाँ किसने बांधा है? राजकुमारी ने उत्तर दिया, मेरा नाम बेला है। मैं इस खूबसूरत राज्य की राजकुमारी हूँ। इस भयानक दानव ने मेरे पिता को मारकर मेरा पूरा राज्य हथिया लिया है। यह एक मानव भक्षी दानव है। क्या तुम मुझे इस दानव से बचा सकते हो? राज को बेला पे बहुत दया आ गई। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद तो करना चाहता हूँ, लेकिन ये दानव तो बहुत विशाल काय है। मैं इसका मुकाबला कैसे कर पाऊंगा? राज बहुत दुखी हुआ और राजकुमारी की मदद करने की योजना बनाने लगा। तभी उसे अपने पिता के दिए हुए शंख की याद आई। उसने जैसे ही शंख को अपने कान से लगाया, उसे दानव के मन की बात सुनाई देने लगी। मुझे लगता है कि इस लड़के को राजकुमारी के बारे में पता चल रहा है। कल सुबह मैं इस लड़के को नाश्ते में खाऊंगा। तब तक बस इसे ये ना पता चले कि मेरी ताकत मेरे बालों में है। राज को जैसे ही दानव के लंबे बालों का रहस्य पता चला, वह खुश हो गया। रात होते ही राज उस विशालकाय व्यक्ति के कमरे में घुस गया और मौका देखते ही सोते समय उस दानव के बाल काट दिए। अगली सुबह जब दानव जागा तो उसे बहुत कमजोरी महसूस हुई और जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसकी शक्ति चली गई है। यह जानते हुए कि राज अब उसे आसानी से हरा सकेगा, कमजोर विशालकाय दानव महल से भाग गया। जैसे ही राज को पता चला कि दानव भाग गया है, उसने राजकुमारी को मुक्त करा दिया। जल्द ही राज और राजकुमारी का विवाह हो गया और राज उस राज्य का राजा बन गया। कृपया प्रतिदिन ऐसी और कहानियों के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। प्रियानी मेकर्स।